नमस्कार दोस्तों, टेक थिंक इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे हाथ में जो फोन है इसकी आप बॉक्स से पता कर चल सकता है कि ये कौन सी फोन है। ये है माइक्रोमैक्स का नोट 1, 4GB 64GB का वेरिएंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं जैसा माइक्रोमैक्स की ओर से कहा गया है कि इसमें 2 साल तक रेगुलर अपडेट मिलेगा, तो यहाँ पर एक न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आया है। तो आप पहले अपडेट करने से पहले मैं यहाँ अपडेट करके देख लेता हूँ कि ये अपडेट करने में प्रॉब्लम आती है या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का इशू होता है कि अपडेट तो दे देते हैं माइक्रोमैक्स हड़बड़ी में अपडेट देते हैं, लेकिन किसी बहुत लोग का बूट लूप में फंस जाता है, बहुत लोगों को कुछ कुछ इशू आने लगती है। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ पर हम करते हैं फ़ोन को अपडेट और देखते हैं कि अपडेट में क्या क्या न्यू फीचर्स अवेलेबल है या क्या क्या न्यू प्रॉब्लम अवेलेबल है। या तो फीचर होगी या तो प्रॉब्लम होगी, ये तो अब चलिए अपडेट करने के बाद आएगा। फिलहाल जैसे कि मेरे को नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिख रहा है कि ऐप अपडेट रेडी, बट मैं सबसे पहले, अगर आप फ्रेश यूज़र हो, आप जानना चाहते हो कि आप अपडेट कैसे चेक कर सकते हो अपने डिवाइस में, तो इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग में। तो इसके लिए आप मेनू में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है सेटिंग आइकन, तो इस सेटिंग आइकन में क्लिक करेंगे और सबसे नीचे चल जाएंगे। सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे इसके अबाउट यूज़र का यहाँ पर आएगा आपका सिस्टम। इस सिस्टम में जाएंगे तो आपको सबसे नीचे में एक दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज, डेट, बैकअप, रीसेट, मल्टी यूज़र एंड सिस्टम अपडेट। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को हो सके तो वाईफाई से कनेक्ट करें या फ़ोन में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो स्कैन करेगा अपने नेटवर्क में और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मुझे दिख रहा है एक अपडेट का नोटिफिकेशन, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अपडेट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच 11/2020 यानी नवंबर का सिक्योरिटी पैच है। फिर कैरियर एग्रीमेंट इम्प्रूव है, कैमरा इम्प्रूवमेंट है, मल्टी टच इम्प्रूव है, जनरल बग्स फिक्स है। तो चलिए, और ये 137 MB का फाइल है, तो इसे हम डाउनलोड पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये फाइल मेरा डाउनलोड हो रहा है, तो इसे मैं डाउनलोड होने दो, उसके बाद देखता हूँ कि इसके बाद क्या क्या इशू, क्या कुछ दिक्कत तो होता ही नहीं, वो तो अपडेट करने के बाद पता चलेगा। तो इसे अपडेट कर लेते हैं, लगता है ये मेरे कुछ सेकेंड में ही डाउनलोड हो जाता है। और यहाँ पे जो अपडेट है, अपडेट होने में ये मुझे लगभग 10 मिनट का यहाँ पर समय लगा, और अपडेट होने के बाद यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट बूट पे दिखता है अपडेट सक्सेसफुली। और देखा जाए तो यहाँ पर अभी कोई चेंजेस हुआ नहीं है, जैसी जो एक्सपीरियंस थी ना, तो कोई न्यू एप्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, बट यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस बताया गया, तो उसकी कैमरा टेस्ट में हम डिटेल चेक करेंगे। और चलिए देखते हैं कि कोई और अपडेट तो नहीं है, तो इसके लिए फिर से जाते हैं सेटिंग में, क्योंकि माइक्रोमैक्स अभी बैक टू बैक अपडेट्स भेज दिए जा रहा है। तो हम जाते हैं सेटिंग्स अपडेट, तो यहाँ पर हम फिर से चेक करते हैं, तो यहाँ पर अभी हमें कोई अपडेट नहीं है। और हमारा जो सिक्योरिटी पैच है वो 5 नवंबर का आ चुका है, दिसंबर का अभी तक सिक्योरिटी पैच आया नहीं है। तो जब सिक्योरिटी पैच दिसंबर का आएगा तो उसके भी मैं अपडेट करके आपको बता दूंगा कि कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिना सब्सक्राइब किए मैं आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, तो बेल आइकन को भी क्लिक कर देगा। अगर इसके रिलेटेड आप इस माइक्रोमैक्स नोट 1 का कोई स्पेशल वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसका नीचे कमेंट जरूर कर देना। इसके अलावा मैंने इसकी पबजी टेस्ट किया तो उसका लिंक आपको कार्ड में मिल जाएगा, अनबॉक्सिंग की है, इस पर कैमरा टेस्ट बाकी है तो मैं सब कर दूंगा। तो इसके अपडेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन सुझाव तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।